तो हेलो गाइस। और यार आज मेरा ना मन कर रहा कुछ नया करूँगा यार, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा मन में। अरे आदि यार, मुझे एक डॉग चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा डॉग लूँ। अच्छा यार, अच्छा मैंने ना कुछ एक साल पहले ना एक रिसर्च करी थी। अच्छा हाँ, तो फिर वो ना मेरा अब वो रिसर्च कंप्लीट हो गई थी, और मैंने उसे डॉग्स के ऊपर करा था कि कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा आपके। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक पीपीटी भी बनाई थी, वो ये रही देखा भी ये रही वो। तो फिर अभी मैं आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? चल अच्छा ठीक है, चल शुरू कर। चलो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। चलो हाँ, तो आपके लिए कौन सा डॉग सबसे अच्छा रहेगा? क्या आप भी कंफ्यूज हो? हाँ आई थिंक सो। सो फिर आज शुरू करते हैं। फैमिली डॉग सबसे कॉमन रीज़न जो डॉग्स चाहते हैं, मतलब ओनर्स चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि डॉग ले, तो फिर यार ये सबसे कॉमन रीज़न है फैमिली डॉग। मतलब वो लोनली फील ना करे, ताकि वो अकेला फील ना करे, जैसे कोई उनके साथ खेले कूदे पूरे दिन, ऐसे रहे, ठीक है? वो फैमिली डॉग मतलब जो आपका पूरा दिन खेलेगा, और आपके साथ आपका सोएगा, आपके साथ खाएगा, और इसके ज़्यादातर मैंने, वैसे बहुत सारे होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल फैमिली डॉग्स होते हैं। तो मैंने सिर्फ सोचा टॉप टू को ले आते हैं, इसका गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर। तो फर्स्ट पे हमारा गोल्डन रिट्रीवर, और सेकेंड जो बेस्ट फैमिली डॉग है वो है लैब्रा, ठीक है? तो अब फर्स्ट पे मैं गोल्डन रिट्रीवर को पैसे इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है लैब्राडोर एक मतलब पूरा ऑल इन वन डॉग है, कंप्लीट, मतलब जो चीज़ें वो मिलने वाला, ठीक है, ऑल इन वन। तो उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी, और इसके अंदर वो, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं फैमिली डॉग्स की। तो बस वो सारी चीज़ें करेगा, तो उसे टाइम कम मिलेगा ना, जैसे ठीक है। तो फिर अब तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप देख भी सकते हो कि कौन ज़्यादा अच्छा है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और वैसे भी देख सकते हो। वैसे मेरा तो यही मानना है, ठीक है? ठीक है, तो गोल्डन रिट्रीवर फर्स्ट पे आया। अगर आपको एक सिर्फ फैमिली डॉग चाहिए, और अगर आपको चाहिए जो थोड़े थोड़े से बाकी काम भी कर लें, तो फिर लैब्राडोर ले सकते हो आप। अब सेकेंड हमारा आता है रीज़न, सेकेंड सबसे कॉमन रीज़न जो है गार्ड डॉग्स। तो जैसे कोई चोर आ गया आपके घर पे, और फिर वो, तो फिर उसको आप सो रहे हो खराटे घोड़े बेचकर, तो फिर आपको उससे कौन बचाएगा, है हाँ ना? आप तो सो रहे हो। तो इस मामले में कैट तो इतना अच्छा नहीं काम करती, लेकिन डॉग्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गार्ड डॉग्स जो आपको मतलब आपकी आपको और आपकी फैमिली को अच्छे से गार्ड करेगी। जैसे इसके एग्जांपल है, फर्स्ट पे है हमारा जर्मन शेफर्ड, सबसे अच्छा गार्ड डॉग, और सेकंड पे है रॉटवीलर, सेकंड सबसे अच्छा गार्ड डॉग, और थर्ड पे है डोबरमैन, ठीक है? और चला नेक्स्ट पे चलते हैं, अलर्ट डॉग्स। ओके, अलर्ट डॉग्स वो डॉग्स होते हैं जो आपको, मतलब इन दोनों में ना कुछ डिफरेंस है, गार्ड डॉग्स और अलर्ट डॉग्स में, ठीक है? कि अलर्ट डॉग्स करते हैं जो कोई चोर आया तो फिर वो भौंक भौंक कर अपनी सबसे मैक्स वॉइस में, सबसे बड़ी वॉइस में भौंक भौंक कर, अगर आपके कोई घर के पास आया तो फिर वो भौंक भौंक कर आपको मतलब अलर्ट कर देंगे। आप सो भी रहो तो वो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि इन डॉग्स की बार्किंग वॉइस और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और तो फिर और वो, लेकिन वो काटेगी नहीं, किस भी कुछ भी हो जाए वो काटेगी नहीं, ठीक है? ठीक है, और जैसे कोई मेहमान आ गया, और तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई मेहमान आपका, कोई रिलेटिव हो, वो लेट हो गया घर पे, और आप अंदर बैठे हो, और आप अंदर आराम से कोई मूवी वूवी देख रहे हो, और बाहर डॉग कोई गार्ड डॉग ले रखा हो आपने, और उसको लगे कि वो चोर है और वो काट ले उसे, है ना? तो फिर वो बड़ा गंदा शगुन होगा, तो फिर इसलिए ये वाले होते हैं। और इसके इस वाली कैटेगरी के ज़्यादा डॉग होते हैं हमारे टेरियर्स, ठीक है? और टेरियर्स टफ, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होते हैं, ठीक है? और चलो शुरू, चलो सबसे पहले पे है हमारा एयरडेल टेरियर, और सेकंड पे है जैक रसल टेरियर, और थर्ड पे है यॉर्कशायर टेरियर। अब यॉर्कशायर टेरियर छोटा होता है, लेकिन जैसे बताया इसमें टफ, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। चलो तो ये हो गया हमारा, हमारे अलर्ट डॉग, ठीक है? और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज पर, जो है टॉय डॉग। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास छोटा घर होता है, और मतलब उन्हें एक ऐसा डॉग चाहिए जो आराम से रह सके उस वाले घर में, तो फिर
ऐसे डॉग्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से कम होते हैं, ठीक है, थीके? तो फिर वो छोड़ते हैं और चलो इसे बताते हैं, और वो आराम से एक छोटे स्मॉल साइज हाउस में रह सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे इसमें चिंचुआ जो दुनिया का सबसे छोटा डॉग है, वो सिर्फ आपका पूछेगा 15 सेंटीमीटर, बस भाई स्केल जितना का स्केल जितना आप सोच सकते हो कितना। सेकंड में आता है आपका शिट्जू। शिट्जू बहुत प्लेफुल होते हैं और ये सारे डॉग बहुत प्लेफुल होते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होगे तो अरे टॉय डॉग जब इतने छोटे से हो गए क्या खेलेंगे हमारा, लेकिन गाइस आप गलत सोच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा खेलेगा आपका कूदेगा, और गाइस ये कभी कभार थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं, मतलब अगर आप उन्हें अच्छे से प्यार ना दो केयर ना दो, ठीक है। और थर्ड पे हमारा यॉर्कशायर टेरियर जो दो स्केल जितना नहीं गाइस, हाँ वो हम ऑलमोस्ट दो स्केल जितना ही पहुँचता है, ठीक है। और गाइस मैं इसमें एक चीज़ करना ऐड भूल गया आई थिंक, है ना, हाँ वो था पिकी, उसको मैं पिकिनीस कुछ ऐसे करके था गाइस, तो फिर उसको मैं ऐड करना भूल गया गाइस, मेरे को अभी अभी याद आया, तो वो दो स्केल की हाइट का होता है, तो मेरे को अभी अभी याद आया, तो गाइस सॉरी यार मेरे को याद नहीं आ रहा था, सॉरी कि गाइस। तो और एक और इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा क्यूट भी चाहिए, तो आपको ऐसा डॉग चाहिए जो क्यूट भी हो छोटा भी हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये हमारा, ये क्या हुआ हमारा होगा कॉर्गी, ओके। कॉर्गी मेरे को सबसे क्यूट डॉग लगते हैं यार, बहुत क्यूट होते हैं वो, और पग भी है, पग और पग और बुलडॉग भी है, ठीक है। और पग ना गाइस और बुलडॉग इसमें बड़े ज़िद्दी और मतलब लेज़ी किस्म के होते हैं, ठीक है, थेके? तो इन्हें लेज़ी डॉग्स भी कहा जाता है, लेकिन अब ऐसे कोई कैटेगरी होती नहीं है लेज़ी डॉग्स जैसे, तो उसे मैंने इसमें ऐड नहीं करा है पर्टिकुलरली। सो गाइस बिग डॉग्स में जाते हैं हम, बिग डॉग्स वो डॉग्स होते हैं जो जैसे है वो बड़े हो गए और वो एक बड़े साइज के घर में ही फिट हो गए, ठीक है। तो पहला पाया हमारा सेंट बर्नार्ड, जो आपको पता ही होगा बहुत बड़े होते हैं वो, मतलब आपके जितने पहुंच जाएगा वो, एक बच्चे मतलब 9 साल का नहीं 8 साल का बच्चे तक पहुँच जाएगा। ग्रेट डेन जो बहुत लंबा होता है, दुनिया सबसे लंबा डॉग है गाइस, जो इंग्लिश मास्टिफ जो सबसे हैवीएस्ट है, टिबेटन मास्टिफ और डोबरमैन पिंचर, और डोबरमैन पिंचर तो हमारे इसमें भी आया था ना गार्ड डॉग था, तो ये 2-in-1 हो गया। तो गाइस चलो नेक्स्ट में चलते सेंट डॉग्स, ओके। ये अब आपको सेंट डॉग्स वो होते जो उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी होती गाइस, वो मतलब कुछ भी ढूंढ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे हो वो। जैसे अगर आपको आप मिलिट्री में, आपको ये मिलिट्री या फिर एयरपोर्ट पे भी मिल जाएंगे, वो आपके बैग चेक करते होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे आपको होता है बीगल, और बीगल ही आपको एयरपोर्ट पे दिखता होगा, क्योंकि गाइस क्यूट भी होता है और कोई से डरता भी नहीं। अगर हम जर्मन शेफर्ड रख लें उस पर, तो फिर कुछ कुछ लोग उससे डरते हैं, तो फिर वो मतलब किसी उस एयरपोर्ट को रेकमेंड नहीं करेंगे, तो इसलिए वो क्यूट और सूंघने शक्ति जितना होगा, ठीक है। और ब्लड हाउंड दुनिया का सबसे अच्छा सेंस ऑफ स्मेल वाला डॉग होता है, ठीक है, और लेकिन वो थोड़ा सा अगली दिखता है, ठीक है, थोड़ा बदसूरत दिखता है, तो इसलिए उसे रखते नहीं है। बैसेट हाउंड और डैशन, ठीक है, डैशन बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। स्प्रिंट डॉग, ओके, स्प्रिंट डॉग्स वो होते हैं जो बहुत तेज़ भाग सकते हैं, इसमें ग्रे हाउंड और इसमें होता है एक क्या था गाइस, मैंने तो उसमें ऐड करा था यार, गाइस मैंने तो उसमें डाले थे यार, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं डाले, आई डोंट नो, कोई ग्लिच चल रही है, नेट भी नहीं आ रहा सुबह से हमारा। तो फिर गाइस जो ग्रे हाउंड है वो सबसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डॉग है, और वो सुकड़ा मैन होता है, पतला सुतला, ठीक है, और वो सुकड़ा मैन होता है, ठीक है, सुकड़ा मैन, द मोस्ट सुकड़ा ऑफ द ऑल डॉग, द मोस्ट सुकड़ा ऑफ ऑल डॉग्स, ओके सुन में बेटा, डॉग्स पढ़ रहे हैं, डॉग्स का चैप्टर, ओके बेटा, ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर होता नहीं है डॉग्स का, लेकिन और सेकंड चलो नेक्स्ट चलते हैं। और सेकंड होता है हमारा सलूकी, ओके, सलूकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग्स है, बहुत पुराना है वो, ग्रीक के ज़माने से, ग्रीक का आपको पता है ना, इबिच वो इजिप्शियन गॉड्स है ना वो होते हैं, ठीक है, और बोर्जोए है, फिर उसके बाद वेपेट है, ये सारे पुराने हैं बहुत, इसलिए
अभी मैं बाद चलता हूँ। तो गाइस और उसके बाद हमारा लास्ट कैटेगरी है हर्डिंग डॉग्स। ओके, अब हर्डिंग डॉग्स ऐसे डॉग होते हैं जो फार्मर्स को मदद करने के लिए बने होते हैं, और वो कैटल काउस को संभालते हैं और शीप को संभालते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं ज़्यादातर डॉग कोली होते हैं। ठीक है, कोली है। देखो अब बॉर्डर फर्स्ट पे आता है हमारा बॉर्डर कोली, और सेकंड पे आता है ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग, और थर्ड पे आता है जर्मन शेफर्ड, और फोर्थ पे आता है बियर्डेड कोली। और ये जर्मन शेफर्ड इसमें भी आता है ना गाइस? हाँ, इसमें भी आता है। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, अब इन सबको बंद करो गाइस, इस पर चल जाते हैं। विच डॉग इज़ द बेस्ट फॉर यू? ये आपको समझ में आ गया, लेकिन सबके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है ये नहीं आया होगा ना। ठीक है, अब दुनिया का सबसे तो अच्छा डॉग माना अगर बोले हम, और गाइस अगर आप एक डॉग लवर हो, यार मैं इस चीज़ को डालना भूल गया, मैं को अभी अभी आया याद में कि गाइस वैसे सोच तो रहा था डालने के, लेकिन मैंने सोचा आप लोग वीडियो को वैसे ही एंड कर दोगे, तो मैंने सोचा ऐसे बोल लेते हैं, अगर आपने उसे देख लिया तो आप एंड कर सकते हो। ठीक है, एंड मत करना, लेकिन गाइस तो फिर क्या होगा कि गाइस अगर आप एक असली डॉग लवर हो तो आप नहीं केयर करोगे कौन सा डॉग ब्रीड है, या फिर कौन सी ब्रीड है, फिर कैसा है वो, कितना ब्यूटीफुल दिखता है वो, कितना खेलता है, आपको बस एक डॉग चाहिए होगा। ठीक है, तो गाइस अब वो अगर आपको चाहिए तो आप एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक स्ट्रीट डॉग। यस गाइस, आप उसे अडॉप्ट भी कर सकते हो। और कुछ लोग सोचते हैं कि कोल्ड वेदर के लिए कौन सा डॉग होता है, हमारे वेदर के लिए कौन सा रहेगा, समर्स में हो कैसा हो जाएगा। तो गाइस एक स्ट्रीट डॉग ऐसा डॉग होता है जो आपके मतलब उसको अच्छे से अडॉप्ट कर रखा होता है। ठीक है, और कोल्ड वेदर के लिए डॉग्स होते हैं जैसे ये हमारे हस्की, फर्स्ट पे आता है हस्की, और सेकंड पे ये अलास्कन मैलामूट, और थर्ड पे आता है हमारा सैमुएल। सैमुएल के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो आज शेडिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। अभी वैसे और अगर आपको समर वेदर के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा मतलब कम कोट वाला ले सकते हो। और गाइस पूडल के भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो उससे मत लेकर आना। चाओ चाओ के भी होते हैं, तो जैसे बहुत सारे डॉग्स इन्हें शेडिंग डॉग्स भी कहते हैं। और गाइस अभी अगर आपको समर वेदर वाले चाहिए तो फिर मैं बोल रहा था कि आप किसी बहुत सारे कम फर वाले होते हैं, कम फर वाले डॉग्स होते हैं, तो मैं उन सबको तो नहीं लिख सकता, तो आप एक कम फर वाले डॉग रिकमेंड कर सकते हो और वो आपको आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा अगर कम फर वाले होते हैं, कोल्ड वेदर वाले होते हैं बहुत गहरे बाल वाले, और वो बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो थी वो था हमारा बेस्ट ऑप्शन। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सुनना गाइस। ओके गाइस, तो अभी हमारे बेस्ट रैंक 2 तक पहुँचा है, हमारे टॉप 2 है, टॉप 2 कंटेस्टेंट्स और जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर रिट्रीवर। ठीक है, तो गाइस अभी ये दोनों हमारे रैंक टॉप 2 तक पहुंच सके हैं। तालियां एक को मिलते हैं, एक करोड़ मिल गया गाइस दोनों को। तो गाइस अभी तो क्या हो गया, तो गाइस अब एक्टिंग छोड़ो, मैं कौन मैंने करोड़पति की एक्टिंग कर रहा। चलो ठीक है, चलो चलते हैं अभी। तो फिर गाइस अब लैब्राडोर जो है उसका वो उसको फ्रेंडली लिस्ट में 100 है, बाकी वॉइस उसकी 90% है, वो उसकी बाइट फोर्स 30% है। और गाइस अभी और ये उसकी जो वो है क्या कहते हैं फर शेडिंग उसकी 50% है, और उसकी वो जो क्या कहते हैं उसे ये गाइस याद नहीं आ रहा वो क्या था, इस गाइस गार्डिंग स्किल्स है उसकी वो बू गार्डिंग स्किल्स ज़्यादा उसकी हमारी 80% और
सुनने की शक्ति उसकी जो है वो है अच्छी खासी है गाइस, उसकी 85% है। तो गाइस ओके गुड है उसका, अच्छा है। और गाइस मैं एक चीज़ भूल गया, ये अलर्ट डॉग स्किल्स। हाँ तो उसका जो साइज़ है वो मीडियम है, और मीडियम साइज डॉग है वो, और वो जो उसकी अलर्ट डॉग स्किल्स है वो है 90%। ठीक है तो गाइस उसका टोटल में तो कितना बना है गाइस, रुको कैलकुलेट करने दो गाइस, गाइस फिर से करते हैं, चलो कैलकुलेटर में जाते हैं। 90 है उसकी फ्रेंडली, नहीं 90 उसकी नहीं गाइस, 80 है उसकी वो, 80 प्लस 90 गाइस कितनी बार 90 आया, दो बार 90 नहीं तीन बार 90 भाई, तीन बार 90, फिर एक बार 50, एक बार 30 और एक बार आया उसका 80 एक और बार आया ना। हाँ ओके इसके हो गए 510 पॉइंट्स या गाइस, ओके 510 पॉइंट्स ओके। अब बाहर सेकंड वाला है बस 510 का ही लिख लेते हैं, नहीं लिखा नहीं है, ठीक है बस पीपीटी में लिख देते क्या चाहता है। इसके सामने लिखेंगे ठीक है, उसके अंदर जाते हैं और जर्मन शेफर्ड का कैलकुलेट करते हैं, तो उसका हो जाएगा हमारा 100 है उसकी गार्डिंग्स का। गाइस मैं उसकी फ्रेंडलीनेस गिनना भूल गया, तो 610 कर देते हैं इसे ओके। गाइस उसकी गार्डिंग स्किल्स 100 है और प्लस उसकी फ्रेंडलीनेस 80 है, प्लस उसकी बाइट फोर्स 45 है, उसकी शेडिंग 55 है, और उसकी गाइस उसकी वो क्या थी, हाँ सुनने की शक्ति है हमारी उसकी अच्छी खासी है गाइस 80 फिर से 80। उसके बाद गाइस उसकी भौंकने की शक्ति है ये कितना था 65। उसके बाद उसकी आई साइट हमने उसकी नहीं गिनी थी, तो इसमें गिन लेते हैं रुको गाइस, उसके बाद उसको भी गिन लेंगे और उसकी फ्रेंडलीनेस भी गिन लेते हैं एक बार, फ्रेंडलीनेस है उसकी, फ्रेंडलीनेस गिन तो लिया यार मैं आई साइट था उसके आई साइट भी, उसके आई साइट है 70। तो इसका हो गया 495 गाइस, मैं सब कुछ गिन लिया ना गाइस, ये तो बड़ा कम दिखा रहा है भाई, इतना ही था यार उसका भी। इसमें सबसे पहले तो मेरे को 50 काटने पड़ेंगे इन दोनों के, 495 माइनस ही करना पड़ेगा, कोई शेडिंग तो अच्छा नहीं होता ना, 459 था ना गाइस माइनस 55 404 भाई बड़ा कम है 404 रेली, और 610 प्लस उसके आई साइड भी गिन लेते गाइस एक बार, उसके आई साइड जो है वो भी उसकी भी 70% है, नहीं उसे 75% है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।